जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण अंतर्गत मॉड्यूल क्रमांक 5 विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका की समझ की प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप मॉड्यूल विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका की समझ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जान सकेंगे। तो आज साथ ही देखते हैं मॉड्यूल का प्रथम प्रश्न। साथी, प्रथम प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लिखित दस्तावेज कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ऑप्शन बी बाल वाटिका, ऑप्शन सी विद्या प्रवेश, ऑप्शन डी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या। साथी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल वाटिका। अगला प्रश्न है, गतिविधि / रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन ए बैठना, ऑप्शन बी निर्बाध रूप से खेलना या भरपूर खेलना, ऑप्शन सी आराम, ऑप्शन डी खड़े होना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्बाध रूप से खेलना। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? ऑप्शन ए किसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है यह निर्णय लेने में, ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चे का अंतिम या वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने में, ऑप्शन सी सीखने सिखाने की से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने और उसे सुधारने में, ऑप्शन डी शिक्षण / सीखने सिखाने के एक स्तर विशेष को पार करने में। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने और उसे सुधारने में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है, ऑप्शन ए 4 से 8 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 8 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 8 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 8 वर्ष। साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, गतिविधियों वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में, ऑप्शन बी बच्चों के लिए वर्कशीट रंगीन बनाने के संदर्भ में, ऑप्शन सी उसका इस्तेमाल नहीं करने के संदर्भ में, ऑप्शन डी बच्चों एवं अभिभावकों द्वारा उसे विकसित करने के संदर्भ में। साथियों, इसका सही उत्तर है उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? ऑप्शन ए पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए, ऑप्शन सी कक्षा 1 पास कर चुके बच्चों के लिए, ऑप्शन डी कक्षा 3 में प्रवेश पाने वाले बच्चों के लिए। साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। साथियों, अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है, ऑप्शन ए विषय पर, ऑप्शन बी अवधारणाओं के विकास पर, ऑप्शन सी कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर, ऑप्शन डी कौशलों के विकास पर। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन दो पहलुओं को रेखांकित करता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य खुशहाली एवं संख्या ज्ञान, ऑप्शन बी मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान, ऑप्शन सी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, ऑप्शन डी बुनियादी संख्या ज्ञान और पर्यावरण के प्रति जागरूकता। साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान।
साथियों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर या चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी माध्यमिक, ऑप्शन सी प्री स्कूल और प्राथमिक स्कूल, ऑप्शन डी प्री स्कूल। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राथमिक। अगला प्रश्न है, बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है? बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है? ऑप्शन ए कक्षा एक में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए, ऑप्शन बी पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी पूर्व प्राथमिक स्तर 1 के बच्चों के लिए, ऑप्शन डी पूर्व प्राथमिक स्तर 2 के बच्चों के लिए। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, मुक्त खेल या फ्री खेल फ्री प्ले क्या है? मुक्त खेल या फ्री प्ले क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा छोटे समूह में दी गई गतिविधि, ऑप्शन बी बच्चे द्वारा बड़े समूह में दी गई गतिविधि, ऑप्शन सी बच्चे द्वारा की गई गतिविधि, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा बनाया गया एक बड़ा समूह। साथ ही इसका सही उत्तर है बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। अगला प्रश्न है, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? ऑप्शन ए कोई भी भाषा, ऑप्शन बी मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा जारी रहनी चाहिए। ऑप्शन ए घर से लेकर पूर्व प्राथमिक स्तर तक, ऑप्शन बी शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक, ऑप्शन सी घर से लेकर शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं तक, ऑप्शन डी पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं तक। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं तक। अगला प्रश्न है, कौन सा संघटक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? ऑप्शन ए मौखिक लिखना एवं कहानी, ऑप्शन बी मौखिक पढ़ना एवं लिखना, ऑप्शन सी मौखिक पढ़ना एवं कहानी, ऑप्शन डी पढ़ना कहानी और लिखना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौखिक पढ़ना एवं लिखना। अगला प्रश्न है, बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 वर्ष। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को शिक्षण हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन बी प्री स्कूल स्तर पर बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी बच्चों के विकास में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है? ऑप्शन ए आंगनवाड़ी, ऑप्शन बी बाल विकास, ऑप्शन सी बालवाड़ी,
ऑप्शन डी बाल वाटिका। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाल वाटिका। अगला प्रश्न है, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए घर से बाहर की जाने वाली एवं गत्यात्मक गतिविधियाँ, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा प्रारंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ, ऑप्शन सी परस्पर अभिवादन करने एवं मिलने की गतिविधियाँ, ऑप्शन डी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान आधारित गतिविधियाँ। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए बच्चे द्वारा ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों को पर्याप्त आनंद लेने से पहले, ऑप्शन बी गतिविधि के आरंभ होने के समय, ऑप्शन सी जब भी बच्चा मांगे, ऑप्शन डी जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों या खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। साथ ही इस प्रकार से ये प्रश्न पूरे होते हैं। अब देखते हैं हमें कितने अंक प्राप्त हुए हैं। साथ ही जैसा कि आप जानते देख रहे हैं कि हमें 20 में से 20 अंक प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अध्यापक साथियों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। मित्रों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।